एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित फतेहपुर नौबाद गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 18 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मोहम्मद अहमद हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2150 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के जूनियर एवं प्राथमिक पाठशाला में लगभग 320 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 45 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी ट्यूबवेल, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, पानी की टंकी, सीसी रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैंने अभी तक जो भी विकास किए हैं वो पूरे जनता के सामने है, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी आगे वो धन वितरित करेंगी उसका काम भी गाँव में कराया जाएगा। और हमारे यहाँ एक PWD का सड़क है जिसमें उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि उसका पैसा आए और उसको नाला बने जिससे ग्रामवासियों की समस्या दूर हो। और एक हमारे पास बाईपास बन रहा है जिसका PWD में एप्लीकेशन दी गई है, DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और गांव का आधे गांव का पानी बिल्कुल बंद है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि प्रधानों की समस्या पहले नंबर पे की जाए, सुनवाई होनी चाहिए पहले नंबर पर, क्योंकि गांव अगर सही होंगे तभी देश का विकास होगा। गांव सही नहीं है तो देश का विकास कहीं नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और पैसा मुहैया कराए जिससे कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। प्रधानमंत्री आवास, हमारे गांव में अभी बहुत गरीब लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि गांव में विकास प्राथमिकता से बनवाया जाए। और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा लाइटें लगी, 90 शौचालय बने हैं, 9-10 सड़कें बन चुकी हैं जिनका, और आंगनवाड़ी केंद्र में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत घर 1 के हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं।